तो दोस्तों ट्रू कॉलर का तो पाकिस्तान में बड़ा ट्रेंड था एक वक्त था कि जब लोग जो है किसी को अन नंबर से कॉल आती थी तो वो ट्रू कॉलर का यूज़ करते थे और ट्रू कॉलर का यूज़ करके वो आइडेंटिफाई कर लेते थे कि कौन सा बंदा इनको कॉल कर रहा है तो वैसे एक साल से तो ट्रू कॉलर पाकिस्तान में बैन है और आप ट्रू कॉलर को अब अपने इंटरनेट से यूज़ नहीं कर सकते लेकिन उसका एक अल्टरनेट वे सबको ही पता हो शायद मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बना के डाली थी आपको ऊपर आई आइकन में भी दे दूंगा तो आप सजेशन में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं तो आपको ट्रू कॉलर का तरीका भी ओवरऑल आपको पता लग जाएगा उसके अलावा आज मैं ट्रू कॉलर से रिलेटेड ही आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ और आपको इस वीडियो में ट्रू कॉलर से रिलेटेड उनके अल्टरनेटिव तीन एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा कि अगर आपके ये सेलफ़ोन के अंदर तीन एप्लीकेशन होंगी तो आपको कोई अन पर्सन तंग करता है और आप चाहते हैं कि मुझे इस नंबर का पता लग जाए कि जो बंदा आपको कॉल कर रहा है तो आप इजीली अपने सेल के थ्रू कर सकते हैं और एक एप्लीकेशन भी नहीं है बल्कि आपको मैं तीन तीन बताऊंगा फॉर एग्जांपल अगर एक ब्लॉक हो जाती है तो आपके पास दो रिमेनिंग होगी आप उनको यूज़ करते हुए आप नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है इंशाल्लाह आपको उसका बहुत बेनिफिट होगा वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल बेलाइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको गायदगी से मिलते रहें तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको वन वन बाय करके इन के बारे में बता देता हूँ कि आप किन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आप इन एप्लीकेशन को कैसे यूज करके कोई भी अन्य नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैं और आप देख रहे हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे तो गाइज जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में डिस्क्राइब किया है आपको मैं इस वीडियो में तीन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा और मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपको कोई अन नंबर तंग करता है खासकर उन फीमेल्स को जो कि तंग है कि अन नंबर से उनको कॉल आती हैं तो वो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल रखेंगी अपने सेल के अंदर से तो वो पता लगा सकती हैं कि उनको कौन कॉल कर रहा है तो वन बाय वन करके अब आपको बता देता हूँ तो नंबर थ्री के ऊपर जो मैंने एप्लीकेशन रखी है ना वो एप्लीकेशन ट्रू डायरेक्टरी के नाम से है प्ले स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है सिंपल आप प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ सर्च में लिखना है ट्रू टी आर यू ई डायरेक्ट्री आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपके सामने एक कॉलर आई के नाम से अप्लीकेशन आती है आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग भी आपको दिखा देता हूँ रेटिंग देखिएगा इसकी 4.8 रेटिंग है और 100 के से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हैं तो कोई रैंडम एप्लीकेशन भी नहीं है आप रेटिंग देख सकते हैं इससे आप काफ़ी हद तक उन नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपको टंग करते हैं जो आपको कॉल करते हैं और आपको इसके साथ साथ एक चीज और बताता चलूँ कि जो एप्लीकेशन के बारे में आपको मैं बताऊँगा इन एप्लीकेशनस के अंदर अगर उस नंबर का डाटा बेस हुआ तो वो आपको ज़रूर बताएगा कि ये फ़लाना बंदे का नंबर है और ये इस वक्त इस लोकेशन पर है तो आपने सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है जब ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है एड्स वगैरह भी एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी हैं तो आपने इससे परेशान नहीं होना जस्ट आप क्लोज करते रहें लेकिन इसका बेनिफिट भी आपको काफ़ी देखने को मिलेगा कि आप किसी भी नंबर को उसकी लोकेशन को आप ट्रेस कर सकते हैं तो आपके पास ओपन करने के बाद कुछ परमिशन वगैरह अगर मांगेगा तो आपने वो सब अलाउ कर देनी है अलाउ करने के बाद आपने सिंपल आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको आइडेंटिफाई नंबर का रजिस्टर लोकेशन का और डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है तो आपने इनमें से अगर कोई नंबर आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं सिम्पल इसमें जाएँ आइडेंटिफाई नंबर में जाने के बाद देखते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर डेटा के अंदर ये नंबर है कि नहीं है तो हम नंबर कोई भी अपनी तरफ से लिख लेते हैं लाइक like, आपके सामने मैंने यहाँ पे नंबर एक लिख दिया है और अब इसको हम सर्च करते हैं तो अभी तो ये कह रहा है कि वैलिड नंबर नहीं है तो नंबर को हमने लिख लिया और अब सर्च करते हैं तो ऐड वगैरह जो आएगा आप इसको बंद कर दें बंद करने के बाद आप देख सकते हैं कि नंबर की वो लोकेशन यहाँ पर बता रहा है तो नंबर का नाम नहीं बता रहा लेकिन उसकी लोकेशन बता रहा है इसी तरह हम किसी और नंबर को यहाँ पर अब एंटर करके रैंडम चेक करते हैं कि शायद उसका यहाँ पर अगर डेटा में इसका हुआ तो वो ज़रूर इसका नाम भी और लोकेशन भी शो करवा देगा तो जैसे कि मैंने रैंडम नंबर लिखा है और आपके सामने है रैंडम नंबर लिखने के बाद एड्स वग़ैरह थोड़े बहुत एप्लीकेशन के अंदर रहें वो जस्ट आपने उसको स्किप करना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने है कि जो हमने रैंडम नंबर लिखा था उसका नाम उसका पता भी आ रहा है और आप देख सकते हैं कि ओवरऑल बता रहा है कि इसका ताल्लुक कहाँ से है और नाम क्या है उसका तो वैसे नंबर टू के ऊपर जो एप्लीकेशन है वो भी बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है और इसका इंटरफेस भी काफ़ी मुझे पसंद आया है और ये एप्लीकेशन के अंदर आपको लॉगिन वगैरह या साइनअप वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता लाइक like जैसे नम, मैंने आपको नंबर थ्री के ऊपर जो एप्लीकेशन का बताया उसके ऊपर भी आपको कोई साइनअप वगैरह नहीं करना पड़ता बस आप वहाँ जाके नंबर पुट करें और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसी तरह ही कॉलर आई जो आपका बताने जा रहा हूँ ये कॉलर आई आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाती है कॉलर आई के नाम से आप जाके प्ले स्टोर के अंदर सर्च करेंगे जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि कॉलर आई आपको ये प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी कॉलर आई लिखेंगे सर्च में तो आपके सामने काफ़ी एप्लीकेशन आती हैं आपने डाउनलोड जो करनी है वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपने जो डाउनलोड करनी है वो ये वाली करनी है और इसके आप डेवलपर का नाम भी देख लें ए यू नंबर के नाम से है और आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है इसकी रेटिंग भी आप देख लें फोर पॉइंट फोर रेटिंग है और टेन मिलियन से इसके ज़्यादा डाउनलोड्स हैं आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जब डाउनलोड कर लेंगे तो इसको ओपन करना है ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ गेट स्टार्टेड का बटन आ रहा होगा आपने यहाँ आप पे एक तरह का साइनअप कर लेना है साइनअप के लिए आपसे परमिशन वगैरह ही मांगता है वो जस्ट आपने वो परमिशन दे देनी है मतलब कि आप नंबर वगैरह या ई का कोई साइनअप नहीं करना पड़ता जस्ट आपको यहाँ पे इसने आपसे परमिशन मांगनी और वो आपने इसको अलाउ कर देनी है अलाउ करने के बाद आपके पास यहाँ नेक्स्ट वो इंट्रोडक्शन दे रहा है एप्लीकेशन का उसके बाद ख़ुद ब खुद आपके सेल फोन के अंदर जो अन नंबर है ना उनको ख़ुद ब खुद आइडेंटिफाई कर देगा और आपको बता देगा कि ये फलाना बंदा आपको कॉल कर रहा था लेकिन उसके साथ साथ इस एप्लीकेशन के अंदर सर्च का फीचर भी है कि अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं किसी नंबर को तो आप वो नंबर वहाँ पुट करके आप उस नंबर को सर्च कर सकते हैं कि ये कौन बंदा है जो आपको कॉल कर रहा है तो फ़िलहाल तो ये प्रोसेस पूरा हो जाए तो उसके बाद आपको यहाँ आइडेंटिफाइड नंबर और स्पैम के बारे में बता देगा कि ये नंबर जो है स्पैम के नंबर हैं मार्केटिंग के नंबर हैं और दूसरे जो नंबर हैं अन आइडेंटिफाइड जो नंबर थे वो ये बंदे अननोन बंदे जो आपको कॉल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उसने 11 स्पैम कॉल्स पकड़ी हैं और 124 सौ अन आइडेंटिफाइड नंबर पकड़े हैं जो अननोन नंबर थे उसके अलावा जब आइडेंटिफाई कर लेगा तो आपने सिंपल इसको क्या करना है कि आपने अपनी आइडेंटिफाइड कॉल्स को एक मतलब सर्च कर लेना वो नीचे ही आ रही होती हैं आइडेंटिफाई कॉल्स के नाम से तो इसके बाद अगर आप ये नहीं देखना चाह रहे आप बाय सर्च तो कि कि तो किसी को सर्च करना चाह रहे हैं आप सिंपली एरो के बटन के ऊपर क्लिक करें उसके बाद आपके पास यहाँ कॉलर आई का इंटरफेस ओपन हो जाता है तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ ऊपर थ्री बार्स आ रही होती हैं आप इन थ्री बार्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ सर्च का ऑप्शन देता है यहाँ सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप जिसका भी नंबर डालेंगे ना तो आपको यहाँ सर्च करके आपको बता देगा कि ये बंदा फलाना बंदा है जो आपको कॉल कर रहा था लाइक हम कोई ट्रायल कर लेते हैं कोई भी हम रैंडम नंबर पुट करते हैं और देखते हैं कि इसको ये सर्च करता है कि नहीं तो फिलहाल तो इसने यहाँ सर्च नहीं किया क्योंकि इसकी डेटा बेस में नहीं होगा अगर मैं अपना कोई नंबर सर्च करूँ तो देखते हैं ये सर्च करता है और हमें क्या बताता है कि किसका नंबर है ये तो आपके बिल्कुल सामने है कि मैंने ये सर्च किया है और मेरा नंबर उसने आइडेंटिफाई कर दिया है कि उबैद पीके के नाम से ये फलाना बंदा जो आपको कॉल कर रहा था तो ये एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है अगर आपको कोई अननोन पर्सन तंग करता है तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू भी पता लगा सकते हैं कि कौन बंदा आपको कॉल कर रहा है तो गाइस नंबर वन के ऊपर जो मैंने एप्लीकेशन रखी है इस एप्लीकेशन का भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और इस एप्लीकेशन का ओवरऑल इंट्रोडक्शन और आपने इसको कैसे यूज़ करना है वो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के डाल चुका हूँ आपको अगर वो वीडियो भी देखनी है तो वो भी मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगा तो आप वो देख सकते हैं जाके तो एप्लीकेशन का नाम आइकॉन के नाम से एप्लीकेशन है ये भी आपको प्ले स्टोर से मिल जाती है प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे आइकॉन के नाम से आपने ये एप्लीकेशन सर्च कर लेनी है आइकॉन और एक फेमस एप्लीकेशन है ट्रू कॉलर के बाद जो कि आप यूज़ करेंगे तो आपको इसका काफ़ी बेनिफिट होगा नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए आप देख सकते हैं फोर इसकी रेटिंग है और टेन मिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हैं और एक तरह की कॉलर आई है अगर आपको कोई कॉल वगैरह आ रही होती है तो आपको उसी वक्त आपके इंटरनेट को आपके इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस करता है और आपको लोड करके बता देता है कि ये फलाना बंदा आपको कॉल कर रहा है तो आप देख सकते हैं आपको मैं इसका इंटरफेस भी दिखा देता हूं सिंपल आपने ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आता है आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे आपके फेवरेट नंबर्स शो करवा रहा होगा उसके साथ साथ अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कोई नंबर आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो आप बाय सर्च भी कर सकते हैं बाय सर्च आपने कैसे करनी है आपके पास यहाँ नीचे एक डायल पैड का बटन आ रहा होता है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे वो नंबर टाइप कर देना है जिस नंबर की आपको कॉल आ रही थी अव्वल तो ये ख़ुद ब खुद डिटेक्ट करके आपको बता देता है नहीं तो अगर नहीं डिटेक्ट करता तो आप यहाँ आगे सिंपल वो नंबर टाइप करें लाइक आपके सामने मैं कोई यहाँ पर नंबर टाइप करता हूँ रैंडम और हम देखते हैं कि ये अगर इनकी डेटाबेस में हुआ तो ये आपको सर्च करके बता देगा हम यहाँ पे नंबर लिख चुके हैं नंबर लिखने के बाद आपके पास यहाँ सर्च का ऑप्शन आ रहा होता है आप इस सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है आइडेंटिफाई करने के बाद आपको बता देगा कि अगर ये इसके डेटाबेस में हुआ फ़िलहाल ये नंबर तो इनकी डेटाबेस में नहीं है तो यहाँ पर मैं अपना नंबर लिख के देखता हूँ अपना नंबर यहाँ लिख के देखूँगा देखते हैं कि मेरा नंबर इनकी डाटा में है कि नहीं है तो जैसे कि मैंने यहाँ सर्च किया है और आपको मैं यहाँ पर अब दिखा भी देता हूँ कि मेरा नंबर आप देख सकते हैं कि मेरा नंबर जो है वो उसने डिटेक्ट कर लिया है और आपको बता रहा है कि ये फलाने बंदे का नंबर है तो ये भी एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है और अगर आप चाह रहे हैं कि इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको आपके कॉल के ऊपर ही आपको बता दे कि ये कौन बंदा आपको कॉल कर रहा है वो फंक्शन आपने ऑन करना है वो कैसे करना है आपके पास यहाँ थ्री बार्स आ रही होती हैं आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ अनेबल कॉलर आई आ रहा होता है आप इस पर क्लिक करें जब इस पर क्लिक कर देंगे तो आपने ये फंक्शन ऑन कर देना है पहले आपका अनचेक होगा सिंपली आपने इसको यहाँ से जाके ऑन कर देना है ऑन करने के लिए आपको वो आपकी ऐप लॉन्च में ले जाएगा और आपने यहाँ से आइकॉन के नाम से एप्लीकेशन को फाइंड करके आपने उसका ये फंक्शन भी ऑन कर देना है तो जब आप ये फंक्शन ऑन कर देंगे आप देख सकते हैं तो उसके बाद आपकी जो भी कॉल आएगी वो खुद ब खुद उसी वक्त डिटेक्ट करके आपको बता देगा कि कौन बंदा आपको कॉल कर रहा है तो दोस्तों यही तीन एप्लीकेशन थी जो कि बेस्ट एप्लीकेशन है जिनको आप एज अ ट्रू कॉलर का अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन के ऊपर जरूर प्रेस कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़